दोस्तों खान जहीर सर, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम विद खान जहीर सर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जो कि आपके इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड के बारे में है। दोस्तों जिसका भी इलेक्शन वोटर आईडी गुम हो गया है या डैमेज हो गया है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन से जो है आप डिजिटल वोटर आईडी को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको 10-15 दिनों में आपके घर के एड्रेस को आ जाएगा। तो दोस्तों जिसका भी आईडी कार्ड या गुम हो गया हो या कुछ डैमेज हो गया हो या पुराना हो गया हो, तो आप ऑनलाइन के जरिए से नया जो है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना इलेक्शन वोटर आईडी डिजिटल वोटर आईडी किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 10-15 दिनों में आपके घर के पते के ऊपर यानी घर के एड्रेस के ऊपर आपको डिजिटल आईडी कार्ड आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन डालना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना डिजिटल वोटर आईडी इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखें कि किस तरह से हम डिजिटल वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड को अपने अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर वहाँ पर nvsp.in टाइप करें। ये इसका होम पेज रहेगा। nvsp.in को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पहले नंबर पर nvsp का एप्लीकेशन ओपन होगा। उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन वोटर आईडी पोर्टल, आपको वहाँ पर डिजिटल वोटर आईडी पोर्टल वहाँ पर ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद अगर आपने पहले ही अपना अकाउंट रजिस्टर किया है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन को जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके वहाँ पर एंटर हो सकते हैं। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर कर लें। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड नीचे लॉगिन बार रजिस्टर बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा। नीचे यहाँ पर देखिए आप फॉर न्यू यूज़र क्रिएट न्यू अकाउंट बोल के एक ऑप्शन है, के डोंट हैव अकाउंट क्रिएट योर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपका तमाम डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, और नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चे को एंटर करते हुए सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करके सबमिट करें। तो यहाँ पर नीचे तमाम आपका एपिक नंबर, उसके बाद जो है आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस आप एंटर करके रजिस्टर कर लें, तो यहाँ पर आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप फिर होम पेज को जाएं। वहाँ पर होम पेज को जाने के बाद जब आप होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड ऊपर जो ऑप्शन है लॉगिन, वहाँ पर लॉगिन को क्लिक करें। आप लॉगिन को क्लिक करने के बाद जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर रहता है और पासवर्ड जो आपने दिया है स्पेशल कैरेक्टर्स एक नंबर एक और अल्फाबेट कैपिटल में एक, उसके बाद आप दे सकते हैं 8 कैरेक्टर्स तक। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर कर लें और लॉगिन कर लें अपना अकाउंट। तो अपना अकाउंट आप लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से पेज दोबारा से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको फिफ्थ नंबर पर जो है सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिसका आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, माइग्रेशन भी है आपका, चेंज ऑफ एड्रेस है, और नीचे यहाँ पर देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, इस पर आप क्लिक करें इस ऑप्शन पर। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा प्रोसेस देखें तो आप खुद भी कर सकते हैं इसे, या आप नज़दीकी सेवा को जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। जब आप वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आप ध्यान दें, एक सेल्फ है एक फैमिली है। अगर आप खुद का यानी अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वोटर आईडी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेल्फ पर क्लिक करके नेक्स्ट दें, या किसी अपने किसी फैमिली मेम्बर का करना चाहते हैं तो फैमिली को क्लिक करें और नेक्स्ट दें। अब मैं यहाँ पर मैं अपना खुद का जो है एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सेल्फ को क्लिक किया है, तो सेल्फ को क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका तमाम डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी जिस तरह से आपके पुराने इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड में है उस तरह का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर ऊपर लैंग्वेजेस रहेगी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, मराठी, जिस लैंग्वेज में चाहे आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। याद रहे कि डिटेल जो आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड में है वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर फैमिली का करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली के ऑप्शन में क्लिक करें और नेक्स्ट दें। ये मेरा सेल्फ करेक्शन है इसलिए मैं सेल्फ कर रहा हूँ। यहाँ पर रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट बोल के एक ऑप्शन है बॉक्स में, यहाँ पर देखिए आप रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट मतलब आईडी कार्ड इज़ डैमेज और आईडी कार्ड इज़ लॉस्ट, ओके, और आईडी कार्ड इज़ गेटिंग ओल्ड, कुछ भी रीज़न यहाँ पर आप तीनों में से एक को यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके नीचे बॉक्स नीचे आपको तीन ऑप्शन रहेंगे, एक आई वांट ए पिक फ्रॉम सीएससी सेंटर, यानी सीएससी सेंटर से आप यानी कंप्यूटर सेंटर से आप पिक लेना चाहते हैं, आपका डाउनलोड करना चाहते हैं, या अपने घर को पोस्ट मंगवाना चाहते हैं, या आप अपने इलेक्शन ऑफिसर से यानी आपके तहसीलदार ऑफिस से तालुक पंचायत ऑफिस से ले सकते हैं। तो बेटर है आप अपने घर पर घर के एड्रेस पर मंगवा लें, तो सेकेंड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, यानी आई वांट माई इलेक्ट्रल आई डी एपिक आई डी टू माई होम एड्रेस, तो वहाँ पर क्लिक करें और नीचे जो प्लेस है आप अपना गांव का प्लेस नेम वहाँ पर एंटर करें, फिर यहाँ पर कैप्चा एंटर करके आप जो नीचे राइट साइड में सबमिट बटन है उस सबमिट बटन क्लिक करें। तो क्लिक करने के फौरन बाद आपका जो है आईडी नंबर यहाँ पर रिप्लेसमेंट आईडी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान रहे आपको इसे या तो कॉपी करना है या कहीं पर लिख लेना है, यानी नेक्स्ट आपको उसका स्टेटस चेक करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है, तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है, ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, एंडोर्समेंट नंबर रहेगा, तो इसे आप कॉपी कर लें और कहीं पेन से नोट कर लें। तो यहाँ पर देखिए नीचे ट्रैक स्टेटस बोल के है, यहाँ पर आप ट्रैक स्टेटस को क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स आएगा, वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है। यहाँ पर देखिए एंटर योर एंडोर्समेंट नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिटेड बोल के हो गया है, और नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपके एड्रेस को आएगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो कुछ फॉल्ट मैसेज रिजेक्ट होगा तो आपको उसका मैसेज ऑटोमेटिक आपके मेल को और फ़ोन नंबर को आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर है आपको डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का। अगर किसी को फिर भी दिक्कत हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो राइट साइड नीचे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को दे सकते हैं, और जब आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऊपर जो ग्रीन कलर में है ई एपिक डाउनलोड, तो अगर जब आप ई एपिक डाउनलोड क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अपना एपिक कार्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर के तहत जो है या आपका एमटीएन नंबर के तहत जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना है और एमटीएन नंबर है एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप करके आपको सबमिट करना है, तो आपका आपका स्टेटस जो है सक्सेसफुल दिखाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, और चंद दिनों के बाद 15 या 20 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद आपका कार्ड आपके होम एड्रेस को आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द कहीं पर अपने नज़दीकी साइबर पर जाएं और डिजिटल वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करें, और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एजुकेशन के मुतालिक ऑनलाइन एप्लीकेशन के मुतालिक और तमाम ऑनलाइन चीज़ों के मुतालिक मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर सर, थैंक यू वेरी मच।